बहुत ही अद्भुत भाषा है मैं दुनिया भर के सभी तेलुगु भाषियों को तेलुगु भाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ प्रपंच व्याप्तंगा उन्न तेलुगु वारी की तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षा लो इस साल मेरे लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले एक लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आवाहन किया है मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है इसे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है इस विषय पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है दादा या माता पिता की कोई राजनीतिक विरासत नहीं होने की वजह से वो राजनीति में चाहकर भी नहीं आ पाते थे कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं कुछ युवाओं ने यह भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है कुछ युवाओं ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी मैं इस विषय पर सुझाव भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूं मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे हुआ जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे उनका अनुभव और उनका जोश देश के काम आएगा साथियों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आए थे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी उन्होंने खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया था आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बार फिर उसी स्पिरिट की जरूरत है मैं अपने सभी युवा साथियों को कहूंगा इस अभियान से जरूर जुड़े आपका ये कदम अपने और देश के भविष्य को बदलने वाला होगा लखपति दीदी तो महिला प्रधानी मोदी महाराष्ट्र जलगाव लखपति दीदी कार्यक्रम भाग में पदको लक्षल मंद సర్టిఫికేట్స్ అందజేశారు ఆ తర్వాత వారితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు లఖ్పతి దీదీ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా నలభై ఎనిమిది లక్షల మంది స్వయం సహాయక బృందాల్లోని మహిళలకు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అందజేశారు దీనితో నాలుగు లక్షల ముప్పై వేల సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపులకు లబ్ధి జరగనుంది ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ లో జరగనున్న లఖ్పతి దీదీ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు ప్రధాని మోదీ साथियों जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था तब मैंने कहा था कि हमें तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है यानी तीन करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है जिनकी एक साल की कमाई एक लाख रुपए से अधिक होगी बीते दस वर्षों में एक करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते दो महीने में सिर्फ दो महीने में ग्यारह लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई नई बन गई या एक लाख नवी लखपति दीदी आज आप महाराष्ट्र तैयार है इसमें यहां की महायुति की सरकार ने भी बहुत मेहनत की है एकराजी जी देवेंद्र जी और अजीत दादा की पूरी टीम माताओं बहनों को सशक्त करने में जुटी हुई महाराष्ट्र में माताओं बहनों के लिए नौजवानों के लिए किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स नई नई योजनाएं चलाई जा रही साथियों लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है इतना नहीं है ये पूरे परिवार को आने वाली पीढ़ियों को सशक्त